तो हम बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम क्यों डालते हैं, कब डालते हैं, तो हाँ उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट चेक करने हैं, और किस सब्जेक्ट हाँ पर जी फेल है उसका रिजल्ट देना है। सामने स्क्रीन दिख रही है आपको मेरा? हाँ तो यहाँ हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन में हम पहले को चेक करते हैं कि सब्जेक्ट वन इक्वल टू इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। एक सब्जेक्ट चेक करने के बाद फिर दूसरा इफ लगाते हैं और दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं और फिर तीसरे को चेक करते हैं और फिर देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। फिर वापस इफ लगाते हैं और चौथे को सिलेक्ट करते हैं, देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अब सारा अगर 30 हुआ तो यहां पे आएगा पास। ये पास करने की पॉसिबिलिटी तो एक बार है, फेल करने की पॉसिबिलिटी चार बार है। तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट फोर फेल। हर इफ के दो पार्ट होते हैं, तो जैसे यहां पे आए तो इस इफ का ए हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट, ए हो गया आपका ट्रू पार्ट। फॉल्स पार्ट जैसे कॉमा करेंगे, देखिए फॉल्स एक्टिवेट हो गया, और यहां फॉल्स पार्ट देते हैं कि सब्जेक्ट थ्री फेल। फिर कॉमा सब्जेक्ट टू फेल, फिर कॉमा सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट वन, सॉरी, सब्जेक्ट वन फेल, और हमने यहां पे एंटर प्रेस कर दिया, रिजल्ट आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हम कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने का तरीका बताते हैं आपको। अगर एक एक बार में ऐसे ना लगा पाए तो हम तोड़ तोड़ के लगाते हैं। हम देते हैं कि पहला इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो यहां आना चाहिए पास, अदरवाइज आना चाहिए सब्जेक्ट वन फेल। ठीक है, फिर दूसरा इफ इसको सिलेक्ट किया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो पास, अदरवाइज फेल, सब्जेक्ट टू फेल, टू फेल। फिर वापस इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, सॉरी 30 है तो पास, अदरवाइज फेल। कौन सा सब्जेक्ट फेल? तो सब्जेक्ट थ्री फेल। ओके, फिर वापस इफ और चौथे को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो पास, अदरवाइज सब्जेक्ट फोर फेल। अब आपको क्या करना है इसमें, इसको मर्ज करना है मुझे एक्सेल पे। तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट से हम मर्ज करते हुए फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहां तीसरे इफ के अंदर जो पास है ना, पास के जगह पे चौथा इफ पेस्ट कर दीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको चौथे इफ को कॉपी करना है इक्वल के बाद और तीसरे इफ के पास के जगह पे पेस्ट कर देना है। फिर तीसरा और चौथा इफ पूरा कॉपी कर लीजिए, एस्केप मार के बाहर आइए और दूसरे इफ के जहां पास है उसको डिलीट कीजिए, उसके जगह पे तीसरा चौथा इफ को पेस्ट कर दीजिए। फिर दूसरा तीसरा चौथा इफ जो भी है उसको कॉपी कीजिए और पहले इफ के जो पास है उस पे डिलीट करके उसे जगह पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर? ठीक है मैम? हाँ हाँ सर, सर, ठीक ठीक तो तो है है, बट बट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या करें, तो है क्या, हम चार पांच सब्जेक्ट को इनविजिली चेक भी तो कर रहे हैं। हाँ,
इसमें क्या होता है कि अगर ये इस तरह का मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमारा हर केस में कंडीशन अलग होता है, समझे? जैसे किसी के 50 नंबर का पेपर है, किसी का 100 नंबर है, तो उस केस में लगाते हैं। अगर ये पूरा का पूरा 30 भी देखना है, तो इसके लिए सिंपल हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला है। काउंट इफ में इसको सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टर को हमें लिख के दे देंगे कि less than 30। अब यहाँ पे इफ कंडीशन होगा कि काउंट इफ का रिजल्ट अगर 0 है तो पास, समझे? 0 है तो पास, अदरवाइज फेल, समझे? बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप एक ही रिजल्ट दे सकते हैं, एक ही रिजल्ट दे सकते हैं और एक ही तरह कंडीशन को चेक कर सकते हैं, समझे? बट इस केसेस में आपके पास फ्रीडम होती है कि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग कंडीशन को चेक करना और उसके बिहाफ पे अलग अलग रिजल्ट को फंक्शन करना। क्लियर है? हाँ, अब इसी के और केस में इंस्टेंट आते तो सर आपने सर इफ तो लगाया पर इंस्टेंट नहीं लिखा। क्या इंस्टेंस मतलब? ये इफ तो लगाया सर इंस्टेंट तो नहीं लिखा हुआ। का इंस्टेंस, इंस्टेंस क्यों लिखेंगे हम? इंस्टेंट नहीं लिखेंगे सर। क्यों लिखेंगे इंस्टेंस? अच्छा, सब में इफ डालते जाएंगे तो इसका मतलब इंस्टेंट इफ है। नेस्टेड इफ, आप नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं। तो नेस्टेड हाँ, इफ कहा नेस्टेड कहा जाता है, मतलब कि एक तरीका होता है, क्योंकि जाल बना है ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे तीसरा, नदी की तरह, घोंसले की तरह, इसे नेस्टेड इफ कहा जाता है। नेस्टेड इफ नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे जैसे आपने एंड और इफ ये नहीं सब डाला और डाला तो ये भी नहीं नेस्टेड जैसे यहां पे देखिए, एक। हाँ यहाँ पे एक और कंडी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास ए नंबर डेटा है और मुझे चेक करना है कि किसी एक में भी अगर पैन नंबर आ गया तो मुझे बताना है यहाँ पे कि इसने डॉक्यूमेंट क्या जमा किया है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे लिखा कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, इसका हेडिंग पैन जो है वो शो कर दे। फिर अगेन इफ हमने बोला अगर ए इक्वल टू वाई है तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो हेडिंग है डीएल, डीएल शो कर दे। आप इन दोनों को हमें लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्टली हेडिंग सेलेक्ट कर दे रहा हूं। फिर यहाँ पे अगेन हमने इफ लगाया और बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है, वोटर इक्वल टू वाई है तो इसको शो कर दो। फिर कॉमा इफ हमने इसको सेलेक्ट किया कि ए इक्वल टू वाई है तो पास ए पासपोर्ट शो कर दे। फिर इसी तरह से आपको कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट देते चला जाता है इफ के अंदर। और यू आई डी एंटर प्रेस करें, आ गया डीएल, क्योंकि डीएल है इसमें। अब चलिए इसका एक और एग्जांपल बताते हैं हम आपको। यहां तो यहां मुझे क्या देना है, मुझे देना है यहां पे इस स्लैब के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग, ठीक है? तो जो ग्रेडिंग इस तरह की बात हो तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया, बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो आ जाए सी ग्रेड, ठीक है? फिर इफ देंगे, सिलेक्ट करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 80 है, 40 की जगह पे हमने 80 किया है तो यहां पे आ जाए बी ग्रेड। और इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो आ जाए ए ग्रेड, समझ गए? एंटर प्रेस किया तो बी ग्रेड आ गया। हाँ, इसको आप इफ्स फॉर्मूले से भी, एक फॉर्मूला होता है इफ्स का, आईएफएस, इफ्स इफ्स फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में खासियत ये होता है कि आपको बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये ज्यादा सही है।
बार बार इफ वही प्रॉब्लम लगाने है से अच्छा कीप कि सेम। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि लेटेस्ट सेक्शन में मिलेगा आपको अच्छा कि ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी यही है कि बाकी सब तो सेम है, बट इसमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इफ ब्रैकेट लगाओ और फिर ब्रैकेट भी इतनी बार लगाना पड़ेगा। तो आप एंटर मारिए, अपने आप ब्रैकेट ले लेता है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे मान लीजिए इंसेंटिव देना है मुझे, राइट, तो मैं यहाँ भी इफ्स का इस्तेमाल करता हूँ। इफ्स इफ्स में इसको सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू, अगर 40 है तो 500। मैं यहाँ पे इफ इफ लगाना है, इफ्स है ना, लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1000। फिर सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 1500, और हमने बोला यहाँ पे कि अगर ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे आ जाए 5000, सॉरी 2000। समझ गए? और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो ये थी हमारी इफ की क्लास है, जो कि आपको मैंने समझाया। अब इफ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल सर आप दे दीजिए जो मैं करूं। इसी ये प्रैक्टिस कीजिए, फाइल कल भेजा था ना, इसी ये प्रैक्टिस कीजिए, इसी ये सारे हाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगली क्लास में हम टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक ठीक है? है सर। चलिए। ओके, थैंक यू सर।